शाहरुख खान ने विक्की कौशल से क्यों मांगी थी माफी? आखिर फिल्म डंकी के सेट पर ऐसा क्या हुआ था कि शाहरुख खान ने विक्की से अपॉलोजी की थी? देखिए, विक्की कौशल ने बताया है कि शाहरुख खान ने उनसे डंकी के शूट के दौरान सॉरी कहा था। विक्की ने हाल ही में शाहरुख के साथ डंकी में काम करने के अपने एक्सपीरियंस के बारे में शेयर किया है और सेट से लेकर अपने शूटिंग एक्सपीरियंस के बारे में खुलकर बताया है। तो आइए जानते हैं कि शाहरुख खान को लेकर के विक्की ने कौन कौन से भेद खोले हैं, साथ ही विक्की कौशल को शाहरुख ने आखिर सॉरी क्यों कहा था। दरअसल विक्की कौशल ने हाल ही में बताया कि फिल्म डंकी के शूट के दौरान शाहरुख खान ने उनसे फोन करके माफी मांगी थी। विक्की के अकॉर्डिंग शाहरुख बहुत बुरा फील कर रहे थे। देखिए, डंकी में शाहरुख के साथ विक्की कौशल पहली बार साथ में स्क्रीन शेयर कर रहे हैं और वो ये मौका पाकर काफी एक्साइटेड थे, पर तब शॉक्ड रह गए जब शाहरुख ने उनसे माफी मांगी। इस बारे में विक्की कौशल ने हाल ही में कॉफी विद करण में बताया है। विक्की कौशल कॉफी विद करण 8 के लेटेस्ट एपिसोड में कियारा आडवाणी के साथ नजर आए थे। उन्होंने शाहरुख खान के साथ काम करने के एक्सपीरियंस शेयर किया है। विक्की कौशल बोले, शूटिंग के बीच एक दिन शाहरुख खान को एक बहुत ही अहम काम के लिए दिल्ली जाना पड़ा और ये किसी और दिन या किसी और टाइम नहीं हो सकता था। ये फिल्म मेरे किरदार के लिए बहुत ही अहम मोमेंट था और ये उनके साथ था। वो उस शॉट के लिए वहाँ मौजूद नहीं रह सके और मुझे वो शॉट बॉडी डबल के साथ देना पड़ा। उन्होंने दिल्ली में अपना काम निपटा लिया और फिर उन्होंने देर रात मुझे बुलाया, लेकिन मैं जा नहीं सका क्योंकि एक इवेंट था। विक्की कौशल ने आगे बताया, फिर उन्होंने मुझे एक लंबा मैसेज भेजा, विक्की वो शॉट हम दोबारा करेंगे, मुझे माफ कर दो कि मैं तुम्हें क्यूज देने के लिए वहाँ मौजूद नहीं रह सका, मुझे वाकई में दुख है। मुझे फिर शाहरुख सर को फोन करना पड़ा और विश्वास दिलाना पड़ा कि सब कुछ ठीक हो गया है और राजू सर शॉट से खुश है। मैं इस बात से भी घबराया हुआ था कि क्या मैं वो शॉट दोबारा कर पाऊंगा, लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा कि हम ऐसा करें क्योंकि शॉट में वो अपना सपोर्ट नहीं दे पाए थे, उन्हें इस वजह से बहुत बुरा लग रहा था। अगले दिन वो सेट पर आए और उन शॉट को देखा और उनसे खुश होने के बाद ही उन्होंने फैसला किया कि हमें उन्हें दोबारा शूट करने की जरूरत नहीं है। विक्की कौशल ने शाहरुख के साथ शूटिंग का एक्सपीरियंस शेयर करते हुए कहा था कि वो शाहरुख खान से मिलकर ही बहुत लकी फील कर रहे थे और जब काम करने का मौका मिला तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। विक्की कौशल ने कहा था, शाहरुख सर ने मुझसे कहा कि डंकी मेरा अब तक का सबसे बेस्ट वर्क है, उनसे मिलना और फिर उनके साथ स्क्रीन शेयर करना और उनके साथ काम करना इनक्रेडिबल था, उनसे सीखने के लिए बहुत कुछ था। विक्की ने आगे कहा, मैं बात अच्छे से जानता था कि एक एक्टर के रूप में शाहरुख सर से सीखने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन जो चीज जिसने मुझे सबसे ज्यादा हिट किया और मुझ पर हावी हुई वो तब थी जब मुझे वाकई में पता चला कि वो जहाँ है वहाँ क्यों है और वो बादशाह क्यों है। वो सेट पर ऐसे थे जैसे ये उनकी पहली फिल्म हो। मुझे कुछ दिनों के लिए उनके साथ काम करने का मौका मिला क्योंकि मेरी एक स्पेशल अपीयरेंस थी। कुल मिलाकर विक्की कौशल ने साफ कर दिया कि वो शाहरुख खान के साथ काम करके खुद को बहुत ही ज्यादा लकी समझते हैं कि उनको ये अपॉर्चुनिटी मिली। वेल, आप बताइए फिल्म डंकी में शाहरुख और विक्की के ट्यूनिंग को देखने के लिए आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं? बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।